तो स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज शरद पूर्णिमा है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं कुछ बताऊंगा। तो शरद पूर्णिमा तो ये अभी नवरात्रि चल रही है, तो शरद पूर्णिमा आसो महीने में शुरू होती है। तो आसो महीने में जो पूनम आती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा को रात को चंद्रमा अपने 16 कलाओं से निकलता है। उस रात को जो चंद्रमा है ना पूरा ऐसा ये पूरा 100% ऐसा निकलता है, इसलिए 16 कलाओं से ऐसा कुछ कहा गया है कवि लोगों ने। तो ये बात है, तो चंद्रमा 16 कलाओं से निकलता है, इसलिए वो रात है ना वो पूर्णिमा की रात वो बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा कुछ है। तो शरद पूर्णिमा के दिन वो आकाश है ना स्काई वो पूरा साफ रहता है, ऐसा फिनिशिंग दिखाई देता है। लेकिन अभी तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश आ सकता है, ऐसा हो गया है। तो शरद पूर्णिमा की रात को जो नवरात्रि जो श्रद्धालु होते हैं वो गरबा खेलते हैं और रात को डांडिया रास खेलते हैं। और दूध पौवा के बारे में भी कुछ बताऊँगा, वो मैं भी पढ़ता था तब ऐसा हम लोगों ने पंचोल आश्रम मैंने पढ़ा की थी वहाँ पे। ओ हमको भी रात को ऐसा गरबा खेलने के लिए लेके जाते थे सभी बच्चे को और मैंने भी ऐसा दूध पाव खाया है जब पढ़ाई करता था तब। तो ज़मीन पर चारों ओर हरियाली होती है और ये समय मानसून रहता है। और ये मानसून नहीं, मानसून तो ख़त्म ही हो जाता है लेकिन ये साल बारिश आता है। तो उस दिन वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है और बड़ी सुहावना वातावरण रहता है और चंद्रमा बड़ी सुहावना बन जाता है। तो ऐसे सुहावने वातावरण को शरद पूर्णिमा का चंद्र और भी सुहावना बना देता है, ऐसा कुछ है उस दिन। तो लेकिन पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कैमरे में जो कैसा दिखा जाता है कुछ पता नहीं मैं। तो उस दिन चांदनी का प्रकाश बहुत ही अच्छा रहता है और चंद्रमा का जो प्रकाश रहता है वो बहुत ही मीठा और ठंडक जैसा रहता है। उस दिन चंद्रमा का जो प्रकाश रहता है वो सफ़ेद कलर का रहता है। तो चांदनी रात में जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। चांदनी रात में वो तरफ जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का और ना जाने कैसा दिखा जाता है कुछ पता नहीं, लेकिन चांदनी रात में जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एक तो मेरे को पसीना भी बहुत आ रहा है और ये नदियाँ की जो शोभा है ना, ये समुद्र की जो लहरें रिवर की लहरें वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है रात को। तो पूर्णिमा को रात को लोग जो श्रद्धालु होते हैं गरबा खेलने के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ है। गरबा खेलते खेलते बहुत ही ऐसा आनंद एंजॉय करते हैं और उस दिन लोग काफ़ी आनंद में रहते हैं और नए नए कपड़े भी पहनते हैं। जो वुमेन होती है वो भी ऐसा घाघरा चोली ऐसा कुछ पहनते हैं और बहुत ही आनंद में रहते हैं। और हमारे गांव में भी रात को ऐसा कुछ फंक्शन होने वाला है, वो भी मैं रात को दिखाने की कोशिश करूँगा। उस दिन बहुत लोग नाचते हैं, गाते हैं, डांसिंग करते हैं, ऐसा कुछ है जो लोगों में ऐसा आनंद आ जाता है। श्रद्धा लोगों में पसीना बहुत ज़्यादा रहा है, तो उस दिन जो रात को दूध पौवा ऐसा कुछ बना के जो श्रद्धा लोगों को खिलाया जाता है और लोग दूध पौवे को ऐसा चांदनी में रख देते हैं, चांदनी रात में जो प्रकाश आता है वहाँ पे रख देते हैं। तो लोगों की ऐसे मान्यता है कि जो चंद्र में से जो बरसने वाला जो अमृत वो जो पौवा में है ना वो मिठास से भर देता है, ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है। फिर लोग चांदनी में बैठकर ये दूध पौवा खाते हैं और ऐसा आनंद एंजॉय करते रहते हैं। सचमुच में वो शरद पूर्णिमा बहुत अनोखा उत्सव है और लोगों के दिलों में ऐसा ताजगी भर देता है।